हेलो एवरीवन, मेरा नाम चेतना नेताम और मैं गवर्नमेंट कंगला मांझी कॉलेज डॉन्डी बीएससी पार्ट 3 की स्टूडेंट हूँ, गाइडेड बाय राधेश्वरी देशमुख मैम जी। आज हम ट्रॉफिक लेवल के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहले सिनॉप्सिस, जिसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन, ट्रॉफिक लेवल, फूड चैन, ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चैन, पिरामिड्स ऑफ नंबर, ग्रासलैंड, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चैन इन इकोसिस्टम, कंक्लूजन और रेफरेंस बाय देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। वैज्ञानिक लिंडमैन ने पोषण रीतियों का अध्ययन किया और देखा कि प्रत्येक पोषण स्तर में कितनी ऊर्जा प्रवेश करती है और कितनी ऊर्जा दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। इससे उस पोषण स्तर की जीवधारी दक्षता ज्ञात की जा सकती है और यह भी पता लगाया जा सकता है कि यह भी मतलब वह कितनी ऊर्जा का उपयोग करती है। ट्रॉफिक लेवल वह बिंदु या स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव का स्थानांतरण होता है, पोषण स्तर कहलाता है। फूड चैन पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य पोषण के लिए निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार के सरलतम संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चैन, फूड चैन का हर स्तर जहां पर फूड एनर्जी का स्थानांतरण होता है उसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब देखते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर, ग्रासलैंड। पोषी स्तर आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर या कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं, जिसके अंतर्गत 5 पोषी स्तर बनते हैं। पहला पोषी स्तर जो कि स्वपोषी होता है, अर्थात उत्पादक बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे। दूसरा पोषी स्तर जो कि शाकाहारी होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता बनाते हैं, जैसे कि टिड्डा। तीसरा पोषी स्तर जो कि मांसाहारी होते हैं, जो कि जैसे कि मेंढक। चौथा पोषी स्तर जो कि बड़े मांसाहारी होते हैं, ये तृतीयक उपभोक्ता बनाते हैं, जैसे कि सांप। पांचवा पोषी स्तर जो कि सर्वोच्च मांसाहारी होता है, ये चतुर्थ उपभोक्ता बनाते हैं, जैसे कि चील। अब हम इसे पिरामिड्स के माध्यम से समझते हैं। पहला पोषी स्तर जो कि स्वपोषी होता है, अर्थात कि उत्पादक, वो हमारे पहले पोषी स्तर होते हैं जिन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, और उत्पादक हरे पौधे होते हैं। ये हरे पौधे को आसानी से खाने वाले जो उनका उपभोग करते हैं वे हमारे टिड्डा होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता इसलिए क्योंकि ये हरे पौधे का सेवन करते हैं, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा का सेवन मेंढक छोटे मांसाहारी के द्वारा होता है, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर इन छोटे मांसाहारी का सेवन सांप के द्वारा, जो कि बड़े मांसाहारी होते हैं, सांप के द्वारा मेंढक का सेवन करते हैं, जो कि तृतीयक उपभोक्ता बनाते हैं। फिर सांप का सेवन चील के द्वारा होता है, जो कि सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं, जो कि चतुर्थ उपभोक्ता कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दूसरा पोषी स्तर होता है वो शाकाहारी पोषी स्तर बना रहा है, और जो बाद में अगले तीसरे, चौथे और पांचवे जो पोषी स्तर हैं वो मांसाहारी उपभोक्ता बनाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो हरे पौधे जिन्हें हम उत्पादक कह रहे हैं, हरे पौधे जो उत्पादक कह रहे हैं, वह हरे पौधे सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, और उसके बाद ये जितने भी स्तर दूसरा, तीसरा और चौथा इन स्तरों पर खाए हुए भोजन की मात्रा का 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि हर एक स्तर से प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध जो कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर जा पाता है। तो सूर्य के प्रकाश का 1% उत्पादक के पास जा रहा है, लेकिन इसके बाद हर स्तर पर 10% जा रहा है।
यहाँ उत्पादक से 1% और बाकी स्तर से 10% जा रहा है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना ज़्यादा हो रहा है कि चौथा पोषी स्तर बाद इसके बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि पहले पोषी स्तर जैसे कि हमारे स्वपोषी हुए फिर जैसे मान लेते हैं हरे पौधे होते हैं, ये गेहूं मान लेते हैं जो कि हमारे द्वितीयक प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता में ही आके मतलब दूसरे पोषी स्तर में ही आके समाप्त हो गया। ये पोषी स्तर का आहार श्रृंखला में जितने भी स्तर होते हैं वे पोषी स्तर को एक कड़ी को बनाते हैं, लेकिन एक चौथे स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। और दूसरा ये कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय ही होता है, इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन इकोसिस्टम में को देखते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं जिसमें घास के मैदान के एक आहार श्रृंखला का उदाहरण लेते हैं। घास के मैदान में ये उत्पादक होते हैं घास के मैदान, जो कि इसे प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा के द्वारा सेवन कर लिया जाता है। फिर इन टिड्डा का सेवन द्वितीयक उपभोक्ता मेढक के द्वारा सेवन कर लिया जाता है। फिर इन मेढक का सेवन सांप के द्वारा कर लिया जाता है जो कि तृतीयक उपभोक्ता बनाते हैं, तथा चतुर्थ उपभोक्ता चील सांप का सेवन करके चतुर्थ उपभोक्ता बना लेते हैं। फिर चील मृत होकर डिकम्पोज की क्रिया द्वारा मिट्टी में मिल जाते हैं, तथा मिट्टी में मिलने के पश्चात ये फिर से प्लांट में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा ये निरंतर ये क्रिया चलती रहती है। अब देखते हैं कंक्लूजन। एक खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र में घटनाओं को संदर्भित करती है जहां एक जीवित जीव दूसरे जीव को खाता है और बाद में उस जीव का बड़े दूसरे जीव द्वारा उपभोग किया जाता है। विभिन्न पोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्व एवं ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला बनाता है। रेफरेंस बाय जूलॉजी H.N. बैजल एंड Y.D. त्यागी पब्लिकेशन अरुण प्रकाशन